दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके, और इस रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब्ड हो जाएं, और बेल आइकन आएगी उसे भी दबा देना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाए करें जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें। तो दोस्तों, आज की जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। उस एप्लीकेशन के लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वहाँ से जाके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यूज़ कैसे करना है, काम क्या है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे आप भी डेटा ट्रांसफ़र करना होता है पीसी से अपने डेस्कटॉप पे, तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। ओके, आप जाते हैं डेस्कटॉप पे और एक ऐसी एप्लीकेशन ढूंढते हैं जो आपके डेस्कटॉप पे भी काम कर सके, जो आपके मोबाइल पे भी काम कर सके। लेकिन क्या होता है, ऐसी एप्लीकेशन बहुत रेयर केस में मिल पाती हैं। तो मैं एक ऐसी ही एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जो आपके मोबाइल से आपके पीसी में डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है, या फिर आप चाहें तो उस पीसी से अपने मोबाइल में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट डेटा केबल। ओके, तो ये एप्लीकेशन उन्हीं में से एक है। मुझे ये जनरली बहुत अच्छी लगी है एप्लीकेशन, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर मुझे जब ज़रूरत पड़ी थी, जब मेरा डेटा केबल से डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इस एप्लीकेशन का यूज़ किया। तो यहाँ पे आपको तीन तरीके से डेटा ट्रांसफ़र करने का मौका मिलता है। एक तो वाईफाई के नेटवर्क से, यानी कि आपके घर में अगर वाईफाई है तो आपका मोबाइल और आपका डेस्कटॉप एक ही वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। मोबाइल हॉटस्पॉट, यानी कि अगर आपने मोबाइल का हॉटस्पॉट चालू किया है तो मोबाइल के हॉटस्पॉट से आपका डेस्कटॉप कनेक्ट होना चाहिए, या फिर लैपटॉप कनेक्ट होना चाहिए, या फिर मोबाइल डेटा से। ओके, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग आउटसाइड योर वाईफाई नेटवर्क, ओके, अगर आप वाईफाई नेटवर्क से बाहर हैं, यू कैन ट्रांसफर फाइल यूजिंग मोबाइल डेटा फ्रॉम एनी लोकेशन। ओके, किसी भी लोकेशन से मोबाइल डेटा के थ्रू आप डेटा भेज सकते हैं। ओके, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन मैं ज़्यादातर वाईफाई नेटवर्क के थ्रू करता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि आपको किस तरीके से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, पहले जो दो ऑप्शन है वो फ्री है, लास्ट का मोबाइल डेटा वाला प्रीमियम है, क्योंकि दोस्तों अगर आप दूसरी लोकेशन से ऑब्वियसली डेटा ट्रांसफ़र करोगे तो थोड़ा चार्ज तो लेगा। ओके, वाईफाई नेटवर्क से अगर आपने करना है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन है जैसे कि आई ऑलरेडी हैव एफटीपी मैनेजर। ये जो एप्लीकेशन है आपके डेस्कटॉप पे भी होनी चाहिए, लैपटॉप पे भी होनी चाहिए। अगर है तो आप ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज नीचे वाला ऑप्शन करके लर्न कर सकते हैं। ओके, तो ऊपर वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको देगा एक वाईफाई चालू करने का मौका, क्योंकि ये ऐप आपने ऑप्शन चूज़ किया था सेम वाईफाई में होना चाहिए आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल। ओके, जैसे ही आप सेम उसमें आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम बताएगा और एक पासवर्ड बताएगा, और आपके डेस्कटॉप पे वो यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। आप उसको यूज़र नेम और पासवर्ड को जैसे ही अपने डेस्कटॉप पे डाल देंगे, जो यहाँ पे शो होगा, ये दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और आप इजीली एक जगह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, नथिंग एल्स, और इजीली आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यूज़ करके देखिएगा, दिक्कत आती है तो मुझे बताइएगा। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज़ से, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका फुल ट्यूटोरियल बताऊँ तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपका फुल ट्यूटोरियल भी इसके लिए बना दूंगा। तो अच्छी लगी हुई एप्लीकेशन तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।